नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पूरी दुनिया में कोविड 19 का कहर जारी है और अब तक किसी भी देश के पास इसको रोकने का कोई सही तरीका नहीं है। ऐसे में इस धरती पर ऐसे भी देश हैं जहां खाने को कुछ नहीं, फिर भी लोग जिंदगी को जैसे तैसे जी रहे हैं। ऐसे में कोविड 19 उन देशों के लिए कहर बनता जा रहा है। कोविड 19 को लेकर इन देशों पर कुछ रिसर्च छपे हैं। रिसर्च की माने तो कोविड 19 के कारण दुनिया भर में सैनिटाइजर, मास्क और मेडिकल उपकरणों की भारी कमी सामने आई है। इनमें अफ्रीकी देशों के हालात सबसे ज्यादा खराब है, जहां सैनिटाइजर से लेकर वेंटिलेटर तक की किल्लत है। अफ्रीका महाद्वीप के कुल 55 देशों में से 10 देश ऐसे हैं जहां वेंटिलेटर की सुविधा ही नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 41 अफ्रीकी देशों में करोड़ों की जनसंख्या के बीच केवल 2000 वेंटिलेटर ही काम कर रहे हैं। हालात यह है कि 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले दक्षिण सूडान में 5 उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन जान बचाने के लिए वेंटिलेटर महज 4 ही है। करीब 50 लाख की जनसंख्या वाले सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक में 3 और लाइबेरिया में केवल 6 वेंटिलेटर काम कर रहे हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो अफ्रीकी देशों में मास्क, साबुन, ऑक्सीजन जैसे मूल सुविधाओं की भी भारी कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो बाकी दुनिया की तरह अफ्रीका में भी टेस्टिंग का स्तर बेहद खराब है। कई देशों में अब महामारी तेजी से फैलने लगी है। दक्षिण अफ्रीका में 2600 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना की चपेट में आए शुरुआती देशों में से एक पश्चिम अफ्रीका के बुर्किना फासो में 2 करोड़ की आबादी पर महज 11 वेंटिलेटर है। इन गरीब देशों पर यूएन की आई एक रिपोर्ट की माने तो केवल 15 सब सहारा अफ्रीकियों के पास साफ पानी और साबुन की सप्लाई थी। वहीं 2017 में लाइबेरिया में 97% घरों में साफ पानी और साबुन नहीं था। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट में ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी के डायरेक्टर की माने तो गरीबी बहुत है, इसीलिए लोग अभाव की जिंदगी जीते हैं। इथियोपिया के एक डॉक्टर की माने तो केवल 3% मरीजों को वेंटिलेटर्स की जरूरत है, लेकिन गंभीर रूप से बीमार 20% मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है गरीब देशों का और कैसे कोविड 19 से वहां की सरकार निपटेगी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा इन गरीब देशों का और कोविड 19 ने जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में तबाही मचाई है, उससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन गरीब देशों और अफ्रीका महाद्वीप का सफाया हो जाएगा।